सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रूही ग्रोवर ते हुण रुख करदे हां अज दीआं सुरखियां वल। पंजाब मंत्री मंडल ने आगामी विधानसभा चोणां विच सियासी लाहा लैण खातर चोण जाबता लगन दे ऐन नेड़े आखरी हमला मारदिआं चुनावी सौगातां ते मोहर लाई। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी प्रधानगी हेठ देर शाम तक चली कैबिनेट मीटिंग विच सूबे दे बेकारी चल रहे नौजवानां लई पुरानी स्कीम कर कर रुजगार दी थां हुण रुजगार गरंटी स्कीम प्रगति 2022 नूं प्रवानगी दित्ती गई, जिस तहत गरंटीशुदा रुजगार यकीनी बनाया जावेगा। कोरोना के चलते पंजाब विच 15 जनवरी तक रात का कर्फ्यू लग्या गया है। रात 10 बजे तो सवेरे के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। सिनेमाघर मॉल रेस्टोरेंट ते होर अदारे 50% नाल खुलणगे। इस दे नाल ही सफर भी 50% समर्था नाल ही कीता जाएगा। सरकारी ते निजी अदारियां विच दोनों खुराकां लै चुके स्टाफ नूं ही काम ते आउण दी इजाजत होवेगी। इस दे नाल ही मास्क भी लाजमी कीता गया है। श्री हरिमंदर साहब के अंदर वापरी बेअदबी की घटना से सरोवर विच गुटका सुट के गुरबाणी की बेअदबी नाल जुड़ियां घटनावां की जांच लई श्रोमणी कमेटी ने 7 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। इस जांच कमेटी की पहली मीटिंग अज होगी। श्रोमणी कमेटी के मीत सकत्तर कुलविंदर सिंह रामदास ने दस्या कि इस 7 मैंबरी कमेटी विच श्री हरिमंदर साहब के ग्रंथी ज्ञानी गुरमिंदर सिंह, दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा, निहंग जथेबंदी बुढ़ा दल के मुखी बाबा बलबीर सिंह, श्रोमणी कमेटी के सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक, मैंबर एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका, गुरचरण सिंह गरेवाल, सिख विद्वान डॉक्टर इंद्रजीत सिंह गुगवाणी शामिल किया गया है। श्रोमणी कमेटी के सकत्तर महिंदर सिंह आहली कमेटी का कोआर्डीनेटर नामजद किया गया है। मुंबई साइबर पुलिस ने बुलीबाई ऐप मामले में उत्तराखंड की औरत बंगलौर तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी विशाल कुमार को हिरासत में लिया है। हिरासत में ली औरत मामले की मुख्य मुलजम मनी जा रही है। इस तो पहला पुलिस ने शिकायत मिलने तो बाद अनपछाते व्यक्तियों विरुद्ध FIR दर्ज की थी कि गिटहब प्लेटफॉर्म के ऐप से मुस्लिम औरतों की तस्वीर नीलामी लिए लगाई गई सन। इस तो बाद मुंबई साइबर पुलिस की टीम ने उत्तराखंड की औरत को हिरासत में लिया है। इस दौरान मुंबई की अदालत ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थी 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड से भेज दिया है। फरीदकोट विच भरवीं रैली नूं संबोधन करदे हुए सांसद भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब विच भ्रिष्टाचार मुक्त ते लोक पक्षी सरकार देवेगी। उन्होंने रवायती पार्टियां नूं नकार के आप नूं सरकार बनाउण दा मौका देण लई कहा है। पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वल्लों श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं पत्र लिखे जाण ते अपनी प्रतिक्रिया दिंदिआं श्रोमणी कमेटी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने रंधावा नूं अपनी पीढ़ी हेठ झाकण लई कहा है। जारी बयान विच उन्होंने कहा कि रंधावा नूं पंथक मसलियां विच दखल देण दा कोई हक नहीं है, क्योंकि इसकी मां पार्टी कांग्रेस ने सिखां दा कतलेआम करके सिख कौम दे खात्मे दा कोझा यतन कीता सी। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब सर्वोच्च है ते इसके मानयोग जथेदार की शान बहुत उची है, परंतु कांग्रेस के ये आगू श्री अकाल तख्त साहब दीआं परंपरावां नूं ढा लगाउण दे रस्ते तुरे हुए हैं। इन्हां दा मंतव कौम अंदर दुविधा पैदा करना है। ब्रिटिश मूल दी सिख फौजी अफसर हरप्रीत प्रीत चंदी दक्षिणी ध्रुव नूं इकल्ले पार करन वाली पहली औरत बन गई है। चंदी ने पिछले कुछ महीनों इकल्ले अंटार्कटिका विच बिताए। उसने 3 जनवरी नूं ऐलान किया कि उसने 40 दिनों विच 700 मील का सफर पूरा किया है। शहर पट्टी विच दाणा मंडी दे सामने बड़ौदा बैंक दी ब्रांच विच दोपहर 2 बजे 4 हथियारबंद नौजवानों ने डाका मारदिया होया कैशियर तो नकदी ते गनमैन तो राइफल खोई ते फरार हो गए। बैंक मैनेजर कमलदीप अते गनमैन गुरसाहब सिंह तो मिली जानकारी मुताबक 4 नौजवान जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए सन ते उन्हां ब्रांच के अंदर दाखिल हुंदिआं सार ही गनमैन की राइफल खोई ते कैशियर तो नकदी ते CCTV का DVR लैके फरार हो गए। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ते उन्हां दी प्रेमिका शिबानी दांडेकर जल्दी व्याह दे बंधन विच बज्जन जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार यह जोड़ा मार्च 2022 विच व्याह दे बंधन विच बंधन जा रहा है। इस तो पहला फरहान ते शिबानी एक वड्डे पद्धर ते व्याह दी योजना बना रहे सन, पर कोरोना महामारी कारण लाईआं गईआं पाबंदियां कारण इस नूं बहुत छोटे पद्धर ते आयोजित करन ते विचार कीता जा रहा है। सूत्रां दी मन्निए तां इवेंट विच सिर्फ करीबी दोस्तां ते परिवारक मैंबरां नूं ही सद्दा दित्ता जाएगा। पंजाब ते चंडीगढ़ विच सवेर तो बदलवाई नाल किनमिन हुई, इस कारण लोकां नूं खुश्क ठंड करके बीमारियां तो भी राहत मिली। मौसम विभाग अनुसार मंगलवार ते बुधवार नूं पंजाब दे वख-वख इलाकियां विच मींह पै सकदा है। हिमाचल प्रदेश विच बीती रात तो ही रुक रुक के बर्फबारी जारी है, जबकि सूबे दे हेठले इलाकियां विच अज सवेरे तो ही हल्की बारिश हो रही है। इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला दे डायरैक्टर सुरिंदर पाल ने अज सूबे विच वख-वख थावां ते मींह ते बर्फबारी दी भविखबाणी कीती है। सूबे दी राजधानी ते सैर सपाटा शहर शिमला विच सवेर तो ही बारिश दा सिलसिला जारी है। एसी साडा हुण तक दा पंजाबी खबरां दा बुलेटिन, हुण मैनूं दो इजाजत, सत श्री अकाल।